ये वीडियो स्पॉन्सर्ड है सस्ता हॉस्टिंग डॉट कॉम की तरफ से, जहाँ पे सिर्फ 549 रुपये में ईयरली प्लान स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे सी पैनल आपको दिया जाता है। अनलिमिटेड प्लान 1499 में अवेलेबल है। देखो भाई, अलीबाबा से सामान मंगाना है, ये अमेजोन और फ्लिपकार्ट के जैसे तो बिल्कुल भी साइट नहीं होता है जहाँ से हम एक दो पीस भी ऑर्डर कर सकते हैं। ये बेसिकली B2B ये होलसेल वेबसाइट है। हालांकि मैंने अलीबाबा के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोस पहले बना चुके हैं कि कैसे हम प्रोडक्ट मंगाते हैं, इम्पोर्ट करते हैं, वट एवर जो भी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अलीबाबा या फिर इम्पोर्ट से रिलेटेड आने वाले मतलब 1 से 1.5 महीने के अंदर में मैं कम से कम 20 वीडियोस देने वाला हूँ। आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि हम कैसे इम्पोर्ट करते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट मंगाने चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, कस्टम में क्यों माल अटकता है, किस तरह के प्रोडक्ट मंगाने हैं और कौन सा माल कस्टम में अटकेगा ही अटकेगा, COD का अवेलेबल है कि नहीं, रिटर्न प्रोसेस होता है कि नहीं। तो ये सभी बातें तो इस वीडियो में इम्पॉसिबल है कि होना, तो मैं आपको बेसिक चीज बता देता हूं कि कैसे आपको मंगाना है, क्या 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 कैसे करना है, मैं आपको सारा प्रोसेस बताता हूं। देखिए, सामान आप जैसे अलीबाबा इंडिया में कोई बैन वैन नहीं है, लोग कहते अलीबाबा सब बैन हो गया, अली एक्सप्रेस बैन हो गया। अली एक्सप्रेस तो डेफिनेटली बैन हो गया है, बट VPN लगा के आप उसको भी चला सकते हो। तो अली एक्सप्रेस के बारे में हम लोग दूसरे दिन बात करते हैं। आप अलीबाबा की नॉर्मली वेबसाइट खोलते हैं और आपको प्रोडक्ट पहले खरीदना है, लेकिन आप पहले ये जानिए कि आपकी कौन आपको कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है। जैसे कि मैं अभी अलीबाबा के साइट पर चल के आपको भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे मैं उस पर काम करता हूँ। आपको जो भी प्रोडक्ट खरीदना हो उसका रिसर्च आप पहले अपनी इंडिया में कर लीजिए कि वो प्रोडक्ट आपको इंडिया में कितना पड़ रहा है और अलीबाबा से मंगा के लाएंगे तो कितना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोगों का ये कन्फ्यूजन होता है कि मैं अलीबाबा से प्रोडक्ट मंगाता हूँ तो कस्टम में मुझे कितना ड्यूटी देना पड़ता है, कितना पैसे लग जाते हैं, आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, एक पीस मिल पाएगा कि नहीं। देखिए, ऐसा कुछ भी रूल है, हार्ड एंड फास्ट रूल कुछ भी नहीं है। जो मैं बता दूं वही सही है, जो मैं यूज़ कर रहा हूं, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके आधार पर मैं बताता हूं। क्योंकि मैंने अभी 4 लाख 4.5 लाख से ज़्यादा अलीबाबा से मैंने शॉपिंग कर रखी है, जिस पे मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, आपको अपने स्क्रीन भी शेयर करके दिखाया था। यहाँ पे आप अपने सप्लायर को ढूंढते हैं। अलीबाबा का मतलब ये हुआ कि वहाँ पे चाइना में बहुत सारे सप्लायर बैठे हैं। इनफैक्ट चाइना की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑल ओवर इंडिया का सप्लायर अलीबाबा बैठे हैं। यानी अलीबाबा पे आप इंडिया से बैठ के भी अपने प्रोडक्ट वहाँ पे बेच सकते हो। कैसे बेच सकते हो आगे हम वीडियो में कवर करेंगे, इसलिए सब्सक्राइब प्लीज़ कर लो और ऑल नोटिफिकेशन को भी अलाउ कर दो ताकि जैसे वीडियो जाए तब को पता चल जाए। यहाँ पे आप जो भी प्रोडक्ट को सर्च करते हैं तो उससे पहले आप शिपिंग एजेंट को ढूंढिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। शिपिंग एजेंट का मतलब ये होता है कि एक ऐसा एजेंट जो कि आपको चाइना से माल छोड़ मतलब ले आके इंडिया में आपको अपने घर तक दे दे, या फिर कोई वेयर हाउस दे दे, दिल्ली मुंबई जहाँ भी आप रहते हो वहाँ तक एक मेन सिटी में ला के दे दे, वहाँ से आप अपना लोकल कुरियर के थ्रू मंगा ले या खुद से जाकर पिकअप कर ले। ये इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जो प्रोसेस है नॉर्मल मैंने बताया फ्लिपकार्ट अमेजोन का जैसा प्रोसेस नहीं है। तो आपको क्या होगा, यहाँ पे दो दो कंट्री में कस्टम क्लियरेंस होते हैं। सिर्फ इंडिया में कस्टम क्लियरेंस की बात नहीं होती, चाइना से भी कस्टम क्लियरेंस वहाँ से होते हैं फिर इंडिया में होता है। तो दोनों जगह आपको एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। नॉर्मली क्या होता है, IEC जो कोड होता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड होता है, वो तो आपको चाहिए होगा जो इम्पोर्ट कराने के लिए। फिर कंपनी के आधार और पैन कार्ड होते हैं, जो कंपनी के पैन कार्ड होते हैं सॉरी, तो वो भी आपको मैंडेटरी होगा। फिर एक GST अकाउंट तो चाहिए चाहिए होगा। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ जो नॉर्मल प्रोसेस है। अपार्ट फ्रॉम दिस इसके भी अभी कुछ प्रोसेस होते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी हिंट थोड़ा सा दिया था, ज़्यादा हिंट यहाँ पे मैं देना ऑथराइज नहीं समझता हूँ, लेकिन लोग मंगा रहे हैं तो आप भी मंगा सकते हो एजेंट के थ्रू। शिपिंग एजेंट कहाँ से मिलेगा, उसका फ़ोन नंबर कहाँ से आएगा, लास्ट टाइम आपने काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया था। देखिए, अलीबाबा की साइट पर जाएंगे और साइट पर ही आप यहाँ पर सर्च करेंगे ना कि शिपिंग एजेंट फॉर इंडिया, तो आपको बहुत सारे शिपिंग एजेंट मिलेंगे इंडिया के लिए। अब बात आती है शिपिंग एजेंट करेगा क्या। ये शिपिंग एजेंट जो भी आपका सप्लायर जिससे आप चैट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनके व्हाट्सअप नंबर ले लीजिए, स्काइप आईडी ले लीजिए, उस पर चैट कीजिए। लेकिन बेस्ट होता है अलीबाबा का जो चैट प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ पे जाकर चैट कीजिए, क्योंकि वो रिकॉर्ड अलीबाबा के पास होता है। अब उससे कभी भी फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आता है तो वो चैट के थ्रू आप अपना फेवर में आपको रिजल्ट मिलेगा, अलीबाबा की तरफ से आपको फेवर में रिजल्ट मिलेगा। पर्सनल या व्हाट्सअप वगैरह पर चैट करेंगे तब तो अलीबाबा के पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता। फिर भी अलीबाबा से आप बिल्कुल भी माल मंगा सकते हैं, ये बिल्कुल भी सेफ है। अब मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में एक और बताऊँगा जिसमें आपको ये पता होगा कि कौन सा सप्लायर अच्छा है, कौन सा पुराना है, कौन सा ट्रस्टेड है, कौन सा वेरीफायर है, उसको मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में कंप्यूटर पर जाकर आपको बताऊंगा। आपको मैं जस्ट एक ओवरव्यू अभी दे रहा हूं। यहाँ पे क्या होगा कि आप तो ऑर्डर जो सप्लायर से बात कर रहे हैं, इसके बाद आपको जो डील है वो पसंद आ गई, मतलब उनका रेट है पसंद आ गया। अब जितनी ज़्यादा क्वांटिटी लेके जाओगे ना, जितनी ज़्यादा क्वांटिटी की ऑर्डर करोगे, रेट आपको उतना ही सस्ता मिलेगा। इंडिया में भी वही चीज़ होता है, लेकिन आप काफ़ी बार्गेनिंग वहाँ पे कर सकते हो चैट के थ्रू। आप बिल्कुल बात कीजिए, जो भी अपनी डिमांड है वो कहिए कि मुझे ये स्मार्ट वॉच चाहिए, ये ऐप चाहिए, इतने पीसेस चाहिए, ये क्वालिटी में चाहिए, उनसे प्रोडक्ट की फोटो वीडियोज़ मंगा के आप अपना रेट फिक्स कर लीजिए। इसके बाद क्या होता है,
उसको बोलिए कि भाई मेरा शिपिंग एजेंट का एड्रेस शेंजेन में या फिर गुआंगझोउ में, जहाँ भी है आप चाइना में है, उस एड्रेस पे आपको पहुँचाना है, बस आपका काम उतना है। क्योंकि आपका सप्लायर जो है ना, इंडिया में कभी भी माल आपको पहुँचा नहीं पाएगा। पहले बोलेगा कहाँ से हो, इंडिया से। आप जैसे चैट करोगे ना, तो सबसे पहला क्वेश्चन उनसे यही होगा, क्या आपका शिपिंग एजेंट चाइना में है? क्योंकि वो पता है, अगर आप बोलोगे हाँ तभी वो चैट करने में इंटरेस्ट लेगा, अदरवाइज इंटरेस्ट नहीं लेगा। क्योंकि उसको भी पता है ना, चैट एजेंट के बिना वो आप कोई भी कीमत पर आप चाइना से इंडिया में माल ला ही नहीं सकते हो। तो चैट एजेंट इज़ द वेरी कंपलसरी और मैंडेटरी, ये होना ही चाहिए। अगर आपके पास एजेंट नहीं है तो आप अलीबाबा के साइट पर जाके आप शिपिंग एजेंट को ढूंढ सकते हो, या फिर इंडिया मार्ट की वेबसाइट है, ट्रेड इंडिया की वेबसाइट है इंडिया में, उस पर भी जाकर शिपिंग एजेंट को ढूंढ सकते हो, उसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, उनसे बात कर सकते हो, उनसे सारा रेट ले सकते हो, भैया मेरा 10 किलो का पार्सल है, आने में कितना टाइम लग जाएगा, कितना पैसा लेगा, किलो का क्या रेट लगेगा, कस्टम में कितना पैसा लगेगा, आप उनसे डिस्कस कर लीजिए, सिंपल। ठीक है, आप वो लोग भी काफ़ी फ्रॉड होते हैं। मेरे साथ एक बार बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, वो भी हम आखिर मतलब नेक्स्ट वीडियोस में हम कवर करेंगे, कैसे फ्रॉड हुआ, उसको कैसे बचना। जो 20 वीडियो बनाएंगे ना, सब पे मैं आपको एक एक करके वीडियो दूंगा कि कैसे फ्रॉड होता है, कैसे बचना है, वो सब चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, अभी देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है ट्रस्ट का। बहुत सारे लोग को ये डाउट होता है कि भैया अलीबाबा से सामान मंगा रहे हैं, ट्रस्टेड है या नहीं, कहीं मेरा पैसा डूब तो नहीं जाए। भाई इंडिया से इंडिया में पैसा मंगाओगे, आप जैसे बैठे हुए हो यूपी में, आप दिल्ली में किसी को पेमेंट भेज दिए, क्या पता वो आपका सामान भेज भी दे, क्या पता वो पैसा ले और आपका मोबाइल नंबर वगैरह बंद कर ले। ऐसा भी फ्रॉड होता है इंडिया में, बहुत सारे फ्रॉड लोग करते हैं, हालांकि वो की बहुत गलत बात है। तो ऐसा भी हो सकता है अपने इंडिया में, तो चाइना में क्यों नहीं हो सकता, वो तो अलग कंट्री है। लेकिन अलीबाबा के थ्रू आप जाएंगे तो यहाँ पे सेफ मिलेगा, कोई वीडियो स्पॉन्सर वगैरह नहीं है। बहुत सारे लोगों ने अलीबाबा के ऊपर मैं कमेंट किया था, तो मैं बता रहा हूँ अलीबाबा ने मुझे कोई पैसा वैसा नहीं दिया वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मैं यूज करता हूँ, मैं मंगाता हूँ, तो मैं सोचा हूँ आपको एक चलो छोटा सा आपको तरीका बताता हूँ, आप भी काम करना चाहे तो कर सकते हो। लेकिन मैं फर्स्ट प्रीफर करूँगा कि अगर वो प्रोडक्ट इंडिया में अवेलेबल है तो आप इंडिया से ही खरीदिए। अब बात आती है कि आपको ऐसा लगता है अलीबाबा का साइट पर वो प्रोडक्ट अरे 500 रुपए का दे रहा है, इंडिया में 2000 रुपए का मिल रहा है, लेकिन इतना सस्ता भी नहीं होता है। वो सिर्फ अलीबाबा के साइट पे शो करेगा, जब आप उससे चैट करेंगे तो वो रेट कुछ और देगा, क्वांटिटी का रेट उस हिसाब से देगा, उसके बाद आपको मंगाने में खर्चा आएगा, ड्यूटी लगेगा, टैक्सेस लगेगा, इतना सारा, इतना आसान नहीं होता है कि 500 दिखा रहा है आपको 600 में हो जाएगा, मंगाते मंगाते आपको 1300-1400 रुपए पड़ जाएगा। मैं अलीबाबा से स्पेशली मेरे से पूछोगे तो मैं वही प्रोडक्ट मंगाता हूँ जो इंडिया में कोई नहीं मंगाते हैं, या फिर कुछ लोग मंगाते भी हैं तो जो प्राइस मार्जिन है, जो गैप है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है, तभी उस प्रोडक्ट को हम टच करते हैं। अदरवाइज जो इंडिया में पॉपुलर आइटम है वो सब लोग मंगाते हैं, और आप अगर नए हैं इस फील्ड में मंगाने में, जो इस फील्ड के जो खिलाड़ी है, जो मास्टरमाइंड है ना, वो इतना रेट कम कर देंगे, इतना रेट कम कर देंगे कि आप उनसे कंपटीशन में बीट नहीं कर सकते हो। आपको कॉस्टली पड़ेगा, चाइना से मंगाने के बाद इंडिया में ही सस्ता मिलेगा, सेपरेट टॉपिक है। हम बताएंगे इंडिया में कैसे सस्ता पड़ेगा, चाइना में कैसे महंगा पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हर प्रोडक्ट इंडिया में ही सस्ता पड़ेगा, चाइना में महंगा पड़ेगा, वो एक सेपरेट टॉपिक है, मैं आपको अच्छे से विस्तार में बताऊंगा। मैंने सारे नोट्स बना रखे हैं, मैं आपको आने वाले टाइम में काफ़ी सारी वीडियोज इस पर देने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक तो ठीक है, आप उनसे बात कीजिए, चैट कीजिए, और शिपिंग एजेंट के पास अपना माल को भिजवा दीजिए। वहाँ से शिपिंग एजेंट का काम क्या होगा, वो इंडिया में आएगा, वो चाइना से कस्टम क्लियरेंस करेगा, इंडिया से कस्टम क्लियरेंस करेगा, और आपके घर के आसपास वेयर हाउस में लाके दे देगा, या कई बार आपके घर तो डोर टू डोर भी डिलीवरी होती है, तो डोर टू डोर डिलीवरी मिल जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको एक पीस, दो पीस या फिर सैंपल के तौर पर आपको मंगवाने हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आप सैंपल भी मंगवा सकते हो बहुत आसानी से, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप सप्लायर से बस बात करना, थोड़ा पैसा वो ज़्यादा लेगा, आपको सैंपल भेज देगा। अगर आप एक दो पीस भी मंगाना चाहते हैं एज ए सैंपल, तो आप डायरेक्टली शिपिंग एजेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उन अपने सप्लायर को बोलिए, फेडेक्स, एरामैक्स और कोई DHL कुरियर काफ़ी पॉपुलर है, उसके थ्रू आप मंगा सकते हैं। लेकिन शिपिंग का प्राइस डेफिनेटली प्रोडक्ट के प्राइस से आपको ज़्यादा पड़ेगा, मतलब 500-600 रुपये का प्रोडक्ट है तो 1000-1200 रुपये आपको शिपिंग कॉस्ट वगैरह आपको ऐसे पड़ जाएगा, तो इसके थ्रू मंगा सकते हैं। बट आपका सैंपल है, आपको क्या पता अगर 500 का प्रोडक्ट आपको 2000 में भी पड़ रहा है, सैंपल आप देख लीजिए, क्वालिटी समझ में आए तो आप कर लीजिए, आपको चाइना जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यहाँ से बैठे बैठे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में पैसा लगता है तो लगने दीजिए, क्या दिक्कत है। यहाँ पे आपको क्या दिक्कत आएगी कि जैसे ही इंडिया का माल आता है आपको यहाँ भी कस्टम क्लियरेंस कराना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि 5000 का माल मंगाओगे तो कस्टम में अटकेगा नहीं, आपको आ जाएगा, या फिर 10000 का माल आपको नहीं अटकेगा, ऐसा कुछ भी रूल नहीं है। 500 का भी माल अटक सकता है, 10000 का माल भी कस्टम से पास हो जाता है, इसका पंगा मेरे समझ से बाहर का बात है, इन लोगों का क्या फॉर्मूला यही लोग जाने।
बट फिर भी मैं आपको बताता हूँ, आप DHL के थ्रू वगैरह, FedEx के थ्रू वगैरह मंगाइए, इसमें क्या होगा कि ये लोग के जो एजेंट है ना, कस्टमर सपोर्ट, आपको फ़ोन करेंगे, आपको ईमेल करेंगे, आपको मैसेज करेंगे कि भाई आपका एक पार्सल चाइना से, फिलीपींस से, जापान से, US से, जहाँ से भी आप मंगा रहे हो वहाँ से आपका एक पार्सल आने वाला है, आया है, कस्टम में है, आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी KYC डॉक्यूमेंट्स वगैरह दीजिए, आप एक डिक्लेरेशन लेटर होता है वो लेटर लिखवा के देंगे। एक्चुअली मेरा YouTube का सिल्वर प्ले बटन आया था ना, फिलीपींस से आया था, तो वो लोग भी मुझे, DHL वाले ने मुझसे ये इन्फॉर्मेशन मांगा था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो आप देंगे तो वो लोग क्या करते हैं, कस्टम से क्लियरेंस करवा के आपके घर तक ला कर दे देते हैं, जो भी कस्टम ड्यूटी बनती है आपको देना पड़ता है। सिल्वर प्ले बटन के केस में मुझे ड्यूटी नहीं लगी थी, वो एज ए गिफ्ट था, तो मुझे फ्री में वो मतलब ड्यूटी नहीं लगी। हालांकि गिफ्ट नाम बोल के लोग सैंपल मंगवा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो कस्टम वाले अगर चाहें तो वो लोग चार्ज लगा देते हैं, कई बार नहीं लगा देते हैं। इसका कोई रूल नहीं है कि इतना कम अमाउंट होना चाहिए, ज्यादा अमाउंट होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये एक दो पीस तो आप मंगा सकते हो, लेकिन आप स्टार्टिंग में एक दो पीस मंगा रहे हो, अगर क्वालिटी समझ में आ रही है तो आप फिर बल्क में काम कीजिए। बल्क में काम करने के लिए जैसे मैंने शिपिंग एजेंट के बारे में बताया, उसके थ्रू आप काम कीजिए, डेफिनेटली आपको अच्छा मिलेगा। और हाँ, स्टार्टिंग में आपको एक बार में 1 लाख 10 लाख 5 लाख का माल नहीं खरीदना है, जैसे मैंने आपको बताया सैंपल खरीदो, उसके बाद क्या करो, आप छोटा पार्सल बनवाना। शिपिंग एजेंट वाले बोलेंगे भैया 40 किलो का पूरा, 45 किलो का जो है ना पूरा एयर में जगह होता है, तो एयर से आप माल मंगाओगे तो 42 किलो का पूरा पार्सल मंगाना पड़ेगा। आप भी ऐसा नहीं करना कि 42 किलो का पार्सल मंगवा लेना और इतना पैसा चाइना में पेमेंट कर देना, आपको पता चलेगा फंस गया भैया, क्या होगा भैया, आप मेरे नीचे कमेंट में गाली दे देना कि भैया क्या वीडियो बना दी मैंने तुम्हारे चक्कर में, इतना इतना पैसा बर्बाद, ऐसा नहीं करना होता भैया। थोड़ा थोड़ा आराम आराम से मंगाना पड़ता है, पहले 2 किलो 4 किलो पार्सल, जो भी शिपिंग एजेंट बोले कि मुझे 40-50 किलो 1000 क्विंटल का मुझे, मैं उससे कम नहीं मंगाऊंगा, भैया जी राम राम, मुझे आपसे काम नहीं करना, मुझे छोटा पार्सल भी काम करना, 2 किलो 5 किलो 10 किलो तक मैं रिस्क ले सकता हूँ, उतना ही रिस्क लेंगे जितना हमें कैपेसिटी है कि चलो भाई 5000-10000 का नुकसान हो भी जाएगा तो कुछ नहीं, मैं सीख तो लूंगा, कुछ एक्सपीरियंस तो आएगा। तो फर्स्ट टाइम में थोड़ा थोड़ा करके आप क्वांटिटी बढ़ाइए, ज़्यादा अच्छा होगा, एक बार में बल्क में ना लीजिए। इसके बाद आप जो भी आपका पेमेंट करना होगा चाइना में, जो भी अलीबाबा के वेबसाइट पर जाके करिए, कई बार वो लोग अली पे का लिंक देते हैं, अली पे तो खैर इंडिया में अलाउ नहीं, आप नहीं कर सकते, वो लोग कुछ बैंक अकाउंट देते हैं, बोलते हैं उसमें डायरेक्ट पेमेंट करो, वो सेफ नहीं है। वो जो बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाइएगा आप, रेगुलर 2-5 साल से आप उनका कॉन्टैक्ट चल रहा है, तब वो आप उसमें 2-4 बार पहले किए हुए हैं तो आप कर सकते हो, लेकिन वो सब चीज़ बिल्कुल सेफ नहीं है। देखिए 2% या 3% 2.5% का मेरे ख्याल से कमीशन लग रहा है पेपैल के थ्रू, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के थ्रू, इंडियन क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से भी पेमेंट आप कर सकते हो अलीबाबा के साइड से। तो आप जाके नॉर्मली 2-3% का टैक्स लगता है वो पेमेंट कर दो, अलीबाबा का कुछ कमीशन लगता है, कमीशन लेता है तो आपको गारंटी भी तो दे रहा है आपके प्रोडक्ट की कि वो आपको वहाँ से रिलीज करेगा ही। मुझे जहाँ तक याद है यार, एक बार मुझे प्रोडक्ट मिलने में बहुत टाइम लग गया, 2 महीना लग गया, लेकिन अलीबाबा को मैंने कंप्लेन कर दिया कि मुझे प्रोडक्ट नहीं मिला, तो मुझे पैसे भी 2 महीने के बाद वापस हो गया था, और बाद में पता चला कि 3rd महीने में मुझे जाके प्रोडक्ट मिला, वो बाई सी आ रहा था, बाई पानी से आ रहा था। पानी में ना 45-50 दिन 60 दिन तक लग जाते हैं, कई बार और भी ज़्यादा लग जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम आती है। तो मैं आपको प्रीफर कर रहा हूँ कि फर्स्ट टाइम आप बाई एयर से मंगाइए, पानी के चक्कर में ना पड़े, 2 महीने तक आपका पैसा पूरा ब्लॉक हो जाएगा, और आपको फर्स्ट टाइम में बहुत डर लगेगा कि माल आएगा नहीं आएगा, बहुत सारा दिक्कत होता है पानी में। मैं काम मुझे समझ नहीं आता, मतलब बढ़िया काम है जब आपका कुछ बल्क में आइटम होता है ना, जैसे ब्लूटूथ स्पीकर भारी आइटम होता है, कुछ भी हेवी आइटम होता है, वो लोग पानी में मंगाते हैं, 100-200-500 किलो का जो वेट होता है। लेकिन हल्का फल्का आइटम है जैसे स्मार्ट वॉच है, टीवी बॉक्स है, व्हाटएवर जो भी हो आप मंगा सकते हैं, एयर से मंगा लीजिए। आप एक दो बार जैसे आप काम करेंगे ना, आपको कॉन्फिडेंस मिलता चलेगा, फिर धीरे धीरे आप बिल्डअप करोगे। मैं भी बहुत बड़ा शिपिंग वो काम नहीं करता, मैं अभी तक सर 5 लाख रुपये से ज़्यादा का मैं नहीं मंगाया हूँ, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके मंगाऊँ। लास्ट टाइम मैंने मंगाया था टीवी बॉक्सेस जून में पेमेंट किया है और मुझे कल माल मिला है, तो सोच लीजिए 4-5 महीने एयर अभी बंद था तो इस वजह से मुझे प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन ये कभी कभी प्रॉब्लम होती है, नॉर्मली एयर में क्या होता है 7-10-12 डेज में आ जाता है, 7 डेज में हो जाता है कस्टम क्लियरेंस वगैरह, और आपको मिलते मिलते 10-12 दिन आपको हाथ में माल मिल जाएगा। ये एक बहुत बेस्ट तरीका है। शायद वीडियोज लंबा हो रहा है तो मैं वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, उसको छोटे छोटे हम वीडियो को टुकड़े में बांट के हम आगे और वीडियोस बनाते हैं आपके लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया है सब पर हम वीडियो एक एक करके लेके आएंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को, बेल आइकन को दबा के रखिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और तभी आप मेरे वीडियोज़ को देख पाएंगे। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।